अब उधर रहिए, समझे ना, यहाँ पर आइए ना, आप उधर रहिए, आप उधर रहिए, अब क्वेश्चन लीक करवा रहे हैं, उधर रहिए, आप रहिए, आप देखिए भाई साहब क्वेश्चन काफी है, उधर जा रहे हैं, देखिए सारा क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन लिख के लाया था, हम लोग देखें तो फाड़ दिया। देखिए सारा क्वेश्चन है इसमें, सारा क्वेश्चन अब देख सकते हैं इसमें, देख लीजिए, एक लड़का को देखें आंसर की लिखते हुए, एक दोस्त 657 हुआ है, फोन करके जो है सो आंसर। श्री हेमंत सोरेन ने ट्विटर पर लिखा, सावधान कर रहा हूं कि कोई गलती से कुछ गलती करने का कोशिश ना करे। दोस्तों ये श्री हेमंत सोरेन के द्वारा ट्वीट किया गया है, नीचे लिखा गया है जेएसएससी की ओर से 21 एवं 22 सितंबर 2024 को आयोजित झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता 2023 निष्पक्ष और कदाचार मुक्त संपन्न, यानी इनका कहने मतलब है कि बहुत ही बढ़िया तरीका से एग्जाम को कंडक्ट कराया गया है, ये दोस्तों हेमंत सोरेन के द्वारा कहा गया है। लेकिन आप लोग को तो सब कुछ पता होगा कि कितना अच्छा तरीका से एग्जाम हुआ है, बहुत सारा कैंडिडेट का कहना है कि धांधली हुआ है ना, क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, यहाँ पर सही से प्रशासन काम नहीं कर रही थी, है ना, उसको धमकाया जा रहा था, जब बच्चा को सील कटा हुआ जब क्वेश्चन पेपर मिला, जब उन्होंने प्रशासन को बोला या वहाँ के अधिकारी को बोला तो उन्होंने साफ बोल दिया कि अगर एग्जाम देना है दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, इस तरह मतलब बच्चा का बयान बहुत सारा आया हुआ, ठीक है, तो इसमें कितना सत्यता है इसको तो जांच करने की विषय है, ठीक है, लेकिन बच्चा अगर बोल रहा है इतना कोई बच्चा तो जहां तक मुझे लगता है कि सही बोल रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें जांच करने की विषय है। तो आइए हम, मेरे पास जो भी प्रूफ कुछ आया हुआ है ना पेपर लीक रिगार्डिंग, वो आप लोग हम दिखाते हैं, ठीक है, उसके बाद हम आप लोग से बात करेंगे लास्ट में कि पेपर जो है कहां से लीक हो सकता है, कहां से लीक हुआ है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले आपको हम प्रूफ क्यों दिखाते हैं कि कहां कहां से हुआ है, टाइमिंग सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, और क्वेश्चन को कहां से लिया गया है। दोस्तों हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है किस एजेंसी को इन्होंने दे दिया जिनके पास एक घंटा भी समय नहीं क्वेश्चन पेपर सेट करने का, जहां तहां से क्वेश्चन उठा के दे दिया। आप लोगों को पता होगा पेपर जो रीजनिंग है कहां से दिया, एसएससी उठा के दे दिया, मैथ्स को भी एसएससी उठा के दे दिया है ना, यहां तक दोस्तों इंग्लिश को भी नहीं छोड़ा, जो पेपर जो लास्ट था पेपर थ्री जो क्वालिफाइंग पेपर था उसको भी छोड़ा, उसको भी दोस्तों सीसेट का पेपर दे दिया उठा के, जो कि दोस्तों यूपीएससी लेवल का होता है। मतलब जो एजेंसी को दिया गया है वह कहना क्या चाह रही है, कहीं ऐसा तो ना हो कि इन्होंने पहले ही क्वेश्चन आउट करने का नया तरीका ढूंढ लिया हो ताकि बच्चा को बता देंगे कि मतलब इस ईयर का यहाँ से लिया गया है क्वेश्चन को, उसको आप देख लीजिए, कहीं ऐसा तो संभावित कहीं ऐसा तो नहीं है। दोस्तों इसमें भी जांच का विषय है, ठीक है, ऐसा आखिर एजेंसी ने क्यों किया, ठीक है। जहां तक अगर हार्ड आसान की बात करें दोस्तों तो लेवल तो हाई था ही, क्योंकि आपको पता है वही मेंस का एसएससी का मेंस का पेपर दे दिया क्वेश्चन, ठीक है, मेंस का पेपर का क्वेश्चन दे दिया, अब सीसेट का पेपर क्वेश्चन दे दे रहा है दोस्तों, तो हार्ड तो होगा ही सीजल के अकॉर्डिंग, ठीक है, लेकिन दोस्तों हार्ड और आसान से भी मतलब नहीं उतना, क्योंकि हम भी इस पर सपोर्ट करते हैं कि दोस्तों अभी एग्जाम टफ होना ही चाहिए, तो आप दोस्तों सबके लिए हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, 150 में जो 80 मार्क लाएगा वो भी क्वालिफाई करेगा, अगर हार्ड क्वेश्चन रहेगा तो, आसान रहेगा 150 में 130-140 मार्क देगा, तो चलिए हार्ड और आसान से हमें कोई इतना दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है कि क्वेश्चंस को अगर लेना ही था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, ठीक है, अगर लेना ही था तो जहां तहां से क्वेश्चन ले लेता, हर 2-4 साल में एग्जाम जो हुआ है एसएससी द्वारा वहां से हर एक पोर्शन से एक दो क्वेश्चन उठा के ले लेता, लेकिन ये क्या किया, किसी एक जगह से उठा के ले लिया, ठीक है, आखिर ऐसा क्यों एजेंसी, और इस प्रकार एजेंसी को एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए क्यों दिया, इसके पास समय ही ना हो, ठीक है, तो ये कहीं से भी उचित नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अरे इतना बच्चा लाइब्रेरी में पढ़ रहा है दिन रात 5 साल से तैयारी कर रहा है, किसी एक बच्चा को पकड़ लेता उसका सब क्वेश्चन सेट कर दे देता तुमको, अगर तेरे पास समय नहीं था तो, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए था, है ना, एजेंसी की गलती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के एक ही जगह से दे दिया, इसलिए दोस्तों इसमें शंका भी जताया जा सकता है, बच्चा द्वारा जताया जा रहा है कि कहीं कोचिंग सेट करने में आसानी तो ना हो, कोचिंग को लीक करने में आसानी तो ना हो, ठीक है, इसलिए तो कहीं ऐसा कहीं किया गया, तो इसमें सारा बच्चा का संचय बना हुआ है, ठीक है, तो इसमें सरकार को विचार करना चाहिए ऐसा ऐसा क्यों किया, ठीक है, इसके बारे में जाँच होनी चाहिए, जाँच होने के विषय है ये, है ना, क्यों दोस्तों ऐसा आज तक अगर हुआ है ना दोस्तों, होने की संभावना है, लेकिन आप लोग देख ही पा रहे हैं अभी क्या हो रहा है, ठीक है। हेमंत सोरेन द्वारा जो नेट बंद किया गया उसमें भी कोर्ट का क्या कहना है, ठीक है, कितना पेपर इसमें अभी तक कितना बच्चा अभी तक पकड़ाया है इसमें, है ना, तो ये सारी चीज़ अभी हम दिखाएंगे आप लोग पूरे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा अंत, ठीक है, तो आप लोग देखेंगे क्वेश्चन देख लेंगे, आप लोग देखिए सेम टू सेम सब मिल रहा है ना, इस तरह मैथ्स का भी, इस तरह इंग्लिश का भी है, सबका है, ठीक है, तो आप लोग
दफ्तर देख ही लिए होंगे, इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हाँ बात करेंगे यहाँ तक कि देखिए ये जो पेपर कटिंग है, सॉरी हाँ ये जो लिखा हुआ जो पेपर है ये काफ़ी वायरल हो रहा है ये सब चीज़। ठीक है अब लोग देख रहे हैं टाइमिंग यहाँ लिखा हुआ है, देखिए इसके नीचे एडमिट कार्ड भी है। ठीक है लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा संशय बना हुआ है कि इसमें 7/31 का है लेकिन इसे PMAM नहीं लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे ये PMAM लिखते हुए यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन आपको लेकिन यहाँ पर जो रोशनी है यहाँ पर जो लाइट है आप लोग इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कब का होगा दोस्तों। ठीक है अगर दोस्तों अगर ये सपोज दैट कि अगर ये सुबह का होता तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लाइट होता। ठीक है देख रहे हैं लाइट है ना, ऐसा हो सकता है लेकिन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो लाइट दिख रहा है इसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कब का है। आप ही लोग कमेंट कीजिएगा ठीक है कि कब का हो सकता है, आप लोग अनुमान लगाइए है ना। आपको देखिए ये सब सारा बहुत सारा वायरल हो रहा है। देखिए देखिए ये वाला आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पर अगर हम कहें बात करें 7/31 ठीक है 7/31 तो शाम में अगर होता तो शाम में तो अंधेरा होता है ना। ये देखिए यहाँ पर देखिए ये तो दिन का खींचा हुआ है यानी सुबह का है एग्जाम से पहले का है ना, एग्जाम से कुछ घंटा पहले का हो सकता है ये है ना। टाइम आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टाइम यहाँ पर आपको सब सब लिखा हुआ है 7:30 के आसपास का 7:30 यानी सुबह का। तो इसमें एजेंसी को जाँच करना चाहिए जो जो फैल रहा है ये घटना जो है ये सही है या गलत है। ठीक है ये सारी कुछ पहले जांच करे सरकार जांच करवाए एजेंसी अच्छा इसको देखें है ना, उसके बाद ही से कहा जा सकता है इसमें तो पूरी तरह से कितना सत्यता है इसके बारे में। क्योंकि अफवाह तो तुरंत आजकल फैल जाता है कुछ ना कुछ चीज़ में तुरंत अफवाह फैल गया ये कहना उचित नहीं होगा कि मतलब जो है दोस्तों उसी का आंसर वायरल हो गया है। ठीक है हो सके बाद में लिख के देखा चलो टाइमिंग सब सेट हो जाता है ना, टाइमिंग सब आजकल सेट हो जाता है सब कुछ मोबाइल में टाइम सेट कर दिया इतना हो गया फोटो क्लिक कर लिया हो गया। तो पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है कि क्वेश्चन जो लीक हुआ है पहले इसके बाद जांच होगा उसके बाद ही कहा जा सकता है। ठीक है अब बात करते हैं हम लोग कि जैसे जैसे सीजीएल पेपर लीक में 2 युवक गिरफ्तार कई एडमिट कार्ड व चैप्टर मिले। देखिए अभी इतना कुछ जब मिल रहा है दोस्तों तो मुझे तो नहीं लगता है कि मतलब लीक नहीं हुआ है, लेकिन चलिए फिर भी जाँच तो होगी ही है ना। देखिए क्या बोला जैसे सीजीएल पेपर 2 गिरफ्तार है ना, 2 गिरफ्तार हो चुका है दोनों पूछताछ किया जाएगा। ठीक है दोनों ने पूछताछ में पेपर लीक करने की बात स्वीकार की। आप देखिए ये लोग स्वीकार भी कर लिया। ठीक है ये लोग स्वीकार किया कि क्वेश्चन लीक हुआ है पुस्तक नंबर पेपर लेकर क्वेश्चन का इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ एक जगह से नहीं लिखा दोस्तों तो पूरा फैल जाएगा है ना। तो इसमें काफ़ी कुछ नज़र आ रहा है इस एग्जाम में तो आप लोग थोड़ा सतर्क रहिएगा ना। देखिए यहाँ पर प्लामू कितना पैसा पकड़ा था जैसे सीजीएल परीक्षा से पहले होटलों में छापेमारी के दौरान बिहार के एक युवक से 90 लाख रुपये बरामद हुआ, जाँच जारी है। ठीक है ये भी फैला था बहुत सारा है ना। अच्छा आप हम बात करते हैं कि पेपर लीक कहाँ से हो सकता है, इस पर थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात करेंगे क्या करना है अगर है ना, अगर पेपर लीक हुआ तो हमें क्या करना चाहिए इस बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है देखिए पेपर लीक कहाँ से हो सकता है, पहला है जहाँ पेपर तैयार हुआ है, दूसरा है जहाँ पेपर प्रिंट हुआ है। अगर इस दोनों विषय के बारे में हम लोग बात करते हैं दोस्तों ठीक है, जहाँ पेपर तैयार हुआ है जहाँ पेपर प्रिंट हुआ है तो यहाँ इस दोनों जगह से दोस्तों अभी तक कोई प्रूफ नहीं आया हुआ है। आप लोग किसी भी वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों कि ऐसा तो कहीं नहीं है ना, जैसे अगर मान लेते जहाँ से पेपर तैयार हुआ जहाँ से पेपर प्रिंट हुआ अगर वहाँ होता तो फिर सील तोड़ने की क्या जरूरत था, वो तो सील को सांटने से पहले ही उसको मतलब फोटो खींच लेता या पहले उसको अच्छा से फोटो खींचता फिर उसको वायरल करता है ना। जो भी आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन आया हुआ है जो भी अफवाह फैल रही है पता नहीं कितना सही कितना गलत है, सब में क्या है सील तोड़ के फोटो खींचा गया है। इसका मतलब दोस्तों कि यहाँ से तो नहीं हुआ है अभी तक, जो भी प्रूफ आया यहाँ तक तो नहीं हुआ है जहाँ पेपर तैयार हुआ है जहाँ पेपर प्रिंट हुआ है यहाँ से दोस्तों अभी तक कोई सा प्रूफ नहीं मिला है। लेकिन बीच रास्ते लिखवाएं इसका संभावना सबसे अधिक है क्योंकि दोस्तों अभी जो फोटो खिंचा रहा है तो बीच रास्ते में हुआ होगा या एग्जाम सेंटर में लिखा हुआ होगा, ये दोनों से बहुत ज़्यादा शंका है। ठीक है तो ये तो बात हुआ, अब हम लोग बात करेंगे कि अगर ठीक है लीक हुआ है पेपर तो हमें क्या करना है। ठीक है सबसे पहला बात एजेंसी को जाँच करनी चाहिए, अगर हुआ दोस्तों इसको तुरंत रद्द होना चाहिए। ठीक है क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो 8 साल 10 साल तैयारी कर रहे हैं। ठीक है और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो उनका तो सिलेक्शन नहीं होगा, बताइए जो पढ़ रहा सिलेक्शन नहीं हो रहा हो जा रहा है जो 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 नहीं पढ़ रहा उसका सिलेक्शन हो रहा है जो पढ़ रहा सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो कहीं तरह से उचित नहीं है। ठीक है तो देखिए अभी आज जो पेपर वहाँ दिया होगा कल तो पेपर वहाँ देगा, अभी कुछ छानबीन चल रहा है। ठीक है तो अभी कितना को सामने आता है अगर दोस्तों सब में सत्यता पाया जाता है अगर इतना भी चीज़ अभी वायरल हो रहा है दोस्तों तो हर हाल में क्वेश्चन को सॉरी हर हाल में एग्जाम को तो पोस्टपोन करना ही होगा। ठीक है एग्जाम को रद्द करना ही होगा, इतना अन्याय दोस्तों नहीं सहेगा बच्चा। ठीक है ये किसी प्रकार से भी सही नहीं है। ठीक है और एक वीडियो वायरल हो रहा है जो आप लोग भी जब हम दिखा रहे हैं। ठीक है ये वीडियो में कितना सच्चाई है ये आप ही लोग बता सकते हैं। चलिए एक हम वीडियो यहाँ पर दिखा रहे हैं आप लोगों को, हाँ ये वाला वीडियो ये वाला वीडियो आप लोग देख रहे हैं कितना सच्चाई लोग आप ही लोग बताइएगा। ठीक है देखिए भाई साहब क्वेश्चन काफी हैं तो उधर जा रहे हैं, देखिए सारा क्वेश्चन लिख के लाया था हम लोग, देखें तो फाड़ दिया।
देखिए सारा क्वेश्चन है इसमें, सारा क्वेश्चन अब देख सकते हैं इसमें, देख लीजिए। एक लड़का को देखें आंसर की लिखते हुए, एक दोस्त 657 हुआ है, फोन करके जो है सो आंसर